नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू फूडीज फूड। और आज की फूड रेसिपी है सिरके वाली प्याज। सिरके वाली प्याज की रेसिपी वैसे तो आपको काफी सारी यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन हमने इसको बनाया है बिल्कुल ही अलग तरीके से और आसान तरीके से, जिससे आप इसको काफी लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो सिरके वाली प्याज बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे प्याज और इसका छिलका हटा लेंगे। ये वाला तरीका जिससे मैं बना रही हूँ ये बिल्कुल अलग है, एकदम नया है। ऐसी आपको वीडियो कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाली है। तो छिलके को मैंने प्याज से हटा दिया है और अब इसको मैंने एक प्याज और ले ली है। पहले मैंने चार ली थी, अब एक और ले ली है क्योंकि एक प्याज खराब निकली थी, तो इसको मैंने और थोड़ा सा ले लिया है क्योंकि ये काफ़ी अच्छी लगती है सिरके वाली प्याज। तो वीक के लिए मैं पूरा ये तैयार करके रख देती हूँ। अब इसके हम गोल गोल रिंग कट करेंगे। आप चाहें तो चाकू से भी कट कर सकते हैं या फिर मेरे पास ये स्लाइसर है, इससे मैं इसकी स्लाइस कट कर लूंगी। इसकी हेल्प से सारी जो स्लाइस हैं एकदम इक्वल आती हैं और बेहद ही अच्छे छल्ले बन जाते हैं जो भी हम इससे कट करते हैं। तो फटाफट से सारे प्याज को कट कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम जो भी प्याज लें वो इस साइज की हो जो इस मशीन में आ जाए। देखिए कितने अच्छे छल्ले स्लाइस निकल कर आ गए हैं। और जो प्याज का ऊपर डंठल वाला पार्ट होता है ना, उसको हम हटा देंगे। तो ये प्याज थोड़ी बड़ी है, ये मशीन में नहीं आ रही है, तो हम इसको चाकू से गोल गोल कट कर लेंगे। अब हम ले लेंगे एक ऐसा बर्तन जिसमें हम इनको अच्छे से वॉश कर लें। तो सारी प्याज की स्लाइस को हम उस बर्तन में डाल लेंगे और 2 से 3 बार हम इनको अच्छे से नॉर्मल पानी से धो लेंगे। ये डाल दिया हमने पानी और इसमें प्याज को अच्छे से अब धो लेंगे। 2 से 3 बार पानी में हमें इनको अच्छे से धो लेना है। इसमें हमें कोई भी पानी को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी वीडियोस में पानी को बॉईल किया जाता है, फिर पानी में और सिरके को ऐड करके डाला जाता है, लेकिन हम इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे जब हम सिरके वाली प्याज को डालेंगे, स्टोर करने के लिए रखेंगे। तो बस हमें सिर्फ प्याज को वॉश करना है और कुछ भी नहीं। एक बार हमने धो लिया है, दूसरी बार के लिए हमने पानी में प्याज को रख दिया है। अब हम ले लेंगे थोड़ा सा बीट रूट यानी कि चुकंदर। थोड़ी सी स्लाइस ही चाहिए हमें, ज़्यादा चुकंदर नहीं चाहिए। और इसको थोड़ा सा छील लेंगे, हम ऊपर की स्किन को हटा देंगे। ये लीजिए, मैंने जो चुकंदर है उसको छील दिया है। और अब ले लेंगे हम एक ऐसा पुराना डब्बा जो ढक्कन वाला हो। इस बात का ध्यान रखें, या तो कांच का भी ले सकते हैं या फिर कोई ऐसा कंटेनर लें जिससे अच्छे से ये सील पैक रहे, इसमें हवा ना जाए। और अब ये ढक्कन वाला डब्बा मैंने ले लिया है, आइसक्रीम का पुराना डब्बा था, और इसमें जो भी हमने प्याज धो के रखी हुई थी सारी इसमें डाल देंगे। पानी नहीं डालना है, पानी को निचोड़ करके छिटक करके डब्बे में रखेंगे। तो डब्बे में गई सारी प्याज की स्लाइसेस और अब इसमें हम डालेंगे चुकंदर जो हमने छील के रखा था। कितना चुकंदर डालना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जो हल्का कलर है अनियन वाली प्याज का, वो थोड़ा सा हल्का सा लाइट पिंकिश रहता है, वो अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि आपको प्याज का कलर बहुत डार्क रेड में चाहिए तो आप चुकंदर ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये मैंने चुकंदर का एक बड़ा सा पीस लिया हुआ था, उसमें से उसके 4 भाग कर दिए हैं और उसको प्याज में डाल दिया है। और अब हम लेंगे विनेगर यानी कि सिरका। ये वाइट विनेगर है, सिंथेटिक वाइट,
और ये मार्केट में 30 से 40 रुपए का आसानी से मिल जाता है, बड़ी ही आसानी से कहीं पे भी मिल जाता है। इसको यूज करेंगे हम और इसी की जो कैप है वही उसी से ही हम दो ढक्कन सिरका प्याज में डाल देंगे। तो ये डाल दिया हमने एक ढक्कन और दूसरा ढक्कन सिरका। तो मैंने 5 प्याज ली थी उसके लिए 2 ढक्कन सिरका काफी होता है और अब हम इसको अच्छे से इसमें मिला देंगे। ध्यान रखना है इस बात का कि हमने इसमें नमक ऐड नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है वो भी हम आपको बता देंगे। और ढक्कन लगा करके हमने इसको अच्छे से मिला दिया है सिरका को। तो इनको हमने मिला दिया है अच्छे से और हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन जो हो इस डब्बे का ढक्कन है उसको लगा देंगे और फ्रीज में इसको रख देंगे। हम इसको कल खाने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसको हमें आज ही यूज़ करना है तो आप इसमें 5 से 6 घंटे का गैप रखें। इसको डालने के बाद 5 से 6 घंटे इसको आप बाहर ही रखें, उसके बाद इसका जो फ्लेवर है सिरके वाला अच्छे से आ जाएगा और कलर अच्छे से आ जाएगा। वैसे तो ये 2-3 घंटे में ही अच्छे से खाने लायक तैयार हो जाती है, लेकिन कलर के लिए जब आपको अच्छा कलर चाहिए इसका तो 5 से 6 घंटे के लिए आप इसको बाहर छोड़ दें। लेकिन अगर आप इसको लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसका ढक्कन लगा करके फ्रीज में रख दें और नमक ऐड बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए जो चुकंदर है उसने हल्का हल्का कलर छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसको ढक्कन लगा करके फ्रीज में रख देंगे और हम इसकी फिर से वीडियो बनाएंगे ओवरनाइट रखने के बाद। सुबह मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और जो रात को हमने सिरके वाली प्याज फ्रीज में रखी हुई थी तैयार होने के लिए वो भी तैयार हो गई है। डब्बे को खोल लेते हैं और ये देखिए सिरके वाली प्याज एकदम अच्छी सी बन करके तैयार हो गई है। और ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। और लेकिन अगर आपको चाहिए कि सिरके वाली प्याज को आपको ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो आप बस सिंपल से एक आपको काम करना है, जो चुकंदर है उसके पीस ज़्यादा ऐड कर दीजिए और भी ज़्यादा रेड हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसी ही हल्की पिंक वाली प्याज ही पसंद है, इसलिए मैंने जो चुकंदर के पीस हैं 4 पीस ही डाले थे छोटे छोटे कट करके। तो ये देखिए सिरके वाली प्याज बनकर के तैयार हो गई है और अब हमें इसको स्टोर कैसे करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। हमें सबसे पहले नमक ऐड नहीं करना है, क्योंकि नमक डालने के बाद जब हम सिरके वाली प्याज को स्टोर करते हैं तो वो बिल्कुल एक दिन के बाद ही ऐसी हो जाती है, बेजान सी मरी मरी सी प्याज हो जाती है, वो खाने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप बिल्कुल भी नमक ऐड ना करें, क्योंकि प्याज में वैसे ही काफ़ी मिठास होती है। जब भी आप प्याज को यूज़ करें अलग से निकाल लें और आपको नमक ऐड करना हो तो आप नमक उसी टाइम पर डालें जब आपको खानी हो। बाकी जो प्याज आपको स्टोर करनी है ढक्कन लगा करके रख दीजिए फिर से फ्रिज में और आप इसे जब तक यूज़ कर सकते हो जब तक ये ख़त्म ना हो। तो ये थी हमारी सिरके वाली प्याज को आसानी से, सबसे ज़्यादा आसानी से बनाने की सिंपल सी ट्रिक। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आप भी इस तरीके से एक बार जरूर बनाकर देखोगे। मैं एक वीक के लिए बना के रख लेती हूँ और ये आराम से चल जाती हैं एक वन वीक के लिए और एकदम फ्रेश बनी रहती हैं। बस आप नमक ऐड ना करें, नमक ऐड करने के बाद एकदम बेजान हो जाती है प्याज। तो ये इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। लेते हैं हम आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं और अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बाय बाय।